शहर की नारी शक्ति ने संकट की इस घड़ी में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना पेशेंट के लिए शुद्ध व सात्विक भोजन की निशुल्क होम डिलीवरी शुरू की है। वे रोजाना 250 पेशेंट व परिजनों का भोजन बनाकर वितरण करने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। पेश है सिटी चैनल की विशेष रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, तब ऐसे घरों में निशुल्क भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी जैन समाज की डॉक्टर अल्पना बाकलीवाल और अंजू गंगवाल ने। अल्पना बताती है कि यह सेवा शुरू करने का आइडिया उन्हें बेटे से मिला, जो मुंबई में डॉक्टर है और कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहा है। जब उसने बताया कि मम्मी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की आ रही है, तभी मैंने निश्चय कर लिया कि कोविड पेशेंट को शुद्ध सात्विक और पौष्टिक भोजन घर पर ही उपलब्ध कराएंगे। मैंने अपनी दोस्त अंजू गंगवाल से इस विषय में बात की तो वह भी तैयार हो गई और फिर दोनों ने निःशुल्क भोजन सेवा प्रकल्प शुरू किया। हम लोग कुक ने शुरू किया था तब हमारे पास 50 या 60 सदस्य थे और हमने अपने छोटे से स्तर पर शुरू किया था, लेकिन जब हमारा शुद्ध सात्विक खाना जैन भोजन बिना आलू प्याज लहसुन का, उसमें कोई जमीकंद भी नहीं रहता, ना कोई हम दही का या दीगल देते हैं, तो जैसे जैसे लोगों को पता चला तो वैसे हमारी संख्या 200 से 250 हो गई। और आज हमारे पास जैन ही नहीं, अजैन लोग भी इसलिए लेते हैं कि हमारा बिना मिर्ची का बिना ग्रेवी का खाना रहता है और बीमार व्यक्ति को कैसा पौष्टिक आहार चाहिए, हम पूरा पौष्टिक आहार देते हैं। तो वो लोग भी आज दूसरी जगह से, कई जगह से वो बोलते हैं हमारा मिर्ची का आता है तो वो हमसे ही लेने लगे। कहाँ कहाँ जाता है खाना आपका, कहाँ का मिर्ची? हमारा पूरा उज्जैन में कहीं भी नागझिरी हो, लाना केड़ा हो, महानंदा, महाश्वेता, पूरे एरिया को, सिटी एरिया, क्षीर सागर और सारी दूर दूर जगह पे हमारा भोजन जाता है। शुरुआत 50 टिफिन से की जो आज 300 तक पहुंच गई है। भोजन पूरी तरह से शुद्ध सात्विक और जैन होता है, साथ ही भोजन में दाल चावल रोटी हरी सब्जी और पापड़ दिया जाता है। अंजू गंगवाल ने बताया कि जब कोविड पेशेंट के फोन आते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई बोल नहीं पाता है, तो किसी के घर पर सभी पॉजिटिव हैं तो किसी के रिश्तेदार फोन करके टिफिन पहुँचाने का निवेदन करते हैं। यह फ्री टिफिन सेवा पूरे शहर के लोगों तक पहुँचाई जा रही है। से हमको बहुत अच्छी फीलिंग मिल रही है और मन को सुकून भी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, जनता को भी चाहिए कि हम अपना प्रशासन का सहयोग करें और इसमें लोग देश के लिए शहीद होते हैं तो हम वो वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर तो ये वाली सेवा देकर के अपने मन को भी सुकून ग्रहणीय ये काम करके सुकून कर सकती है। और हम तो मतलब जॉब अपनी पर घर की ग्रहणी, इससे अच्छा काम शायद ही कोई हो सकता है। आपको ये विचार क्यों आया? ये विचार इसलिए आया हम लोगों के मन में कि आज जो परिस्थिति आज ऐसी है, लोगों को देख रहे खाने, एक महिला का दुख समझ सकती है कि बीमार होते तो वो खाना नहीं बना सकती है, तो ये फीलिंग हमारे मन में आई और वैसे ही हम लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि हमको ये काम करना है। नागझिरी, नानाखेड़ा, ऋषिनगर, महानंदा नगर, फ्रीगंज, नमक मंडी, नयापुरा, खाराकुआ, वीडी मार्केट, शिरसागर आदि जगहों पर वॉलेंटियर्स घरों में भोजन की डिलीवरी कर रहे हैं। मानवता की सेवा में दोनों का परिवार उनका पूरा सहयोग कर रहा है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट।